Hey guys, this is me, Robbie here. This is your boy Azu here. We guys are back with another reaction video. तो गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू आए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और आज़ू राबी गेम को ज्वाइन कर लेना। हमारा एक ब्लॉगिंग चैनल भी है बाय द नेम राबन आसम। आप लोग बहुत स्लो उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसको जाकर सब्सक्राइब करें, स्लो के कर ही नहीं रहेगा। तो अब चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। तो गाइस आज इस वीडियो प्रोडक्शन देने वाले हैं वो गाड़ी के ऊपर है, इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर है कि वाई टाइटल जो है मैं बता देता हूँ आपको, वाई फोर्ड इज रिटर्निंग टू इंडिया। आई गेस फोर्ड जो ब्रांड है गाड़ियों का वो सब बंद हो गए थे इंडिया में, यहाँ से इंडिया से चला गया था, दोबारा वापस आ रहा है। तो इसकी प्रॉपर एक वीडियो बनाई गई है कि रीज़न क्या थी, क्यों गया था और क्यों आ रहा है। तो देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। 2006 में ओपेल इंडिया को छोड़कर गई, 2017 में शेवरलेट, 2019 में फिएट और 2020 में मित्सुबिशी और फोर्ड ने भी इंडिया के अंदर गाड़ियां बनाना बंद कर दिया। और इसके बाद हमें ये देखने में मिला है कि ये जितनी भी कार कंपनीज इंडिया को छोड़कर गई थी ना, इन्होंने आज तक भी इंडियन मार्केट में दोबारा मुड़कर नहीं देखा है। लेकिन ये ट्रेंड अब बदलने वाला है क्योंकि भारत को छोड़कर गई कंपनीज में से सबसे बड़ी कंपनी अब वापस आने वाली है। जी हाँ, फोर्ड वापस आने वाली है और इसका पता चलता है उनकी न्यू फोर्ड मॉडल एंडेवर की इंडियन मार्केट में पेटेंट फाइलिंग से। इसके अलावा फोर्ड मोटर कंपनी ने अपने ऑफिशियल लिंक्डइन अकाउंट से पिछले सिर्फ 3 से 4 दिनों में अपने चेन्नई बेस्ड प्लांट के लिए बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स पोस्ट करी हैं, जिसमें कई तरीके की इंजीनियरिंग पोस्ट से लेकर मैनेजमेंट और अकाउंट डिपार्टमेंट तक की पोस्ट शामिल हैं। इतना ही नहीं, ऑटोकार इंडिया ने भी इस खबर को कंफर्म करते हुए बताया है कि फोर्ड के कमबैक का कंफर्मेशन उनको अपने इंटरनल सोर्सेज से भी मिला है और ये भी माना जा रहा है कि फोर्ड एंडेवर इसी साल शायद से इंडियन रोड्स पर चलने भी लग जाए। अब ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर है और मैं पर्सनली भी इस खबर से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन ये न्यूज़ ना एक कुछ सवाल खड़े करती है, जैसे कि अगर इनको 3 साल बाद वापस से लौटना ही था तो फोर्ड इंडिया को छोड़कर गई ही क्यों थी एट फर्स्ट प्लेस, और अब अगर वापस आ रहे हैं तो क्या अब ये भारत में कामयाब हो पाएंगे। और फोर्ड को एंडेवर के अलावा इंडिया के अंदर कौन कौन सी गाड़ियां लेकर आनी चाहिए ताकि वो कामयाब हो पाए इस मार्केट के अंदर। ऐसे ही सब सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना बिना कहीं से स्किप करते हुए। लेकिन उससे पहले प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल क्योंकि आप में सिर्फ 26% ही लोग हमें सब्सक्राइब करते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यार फोर्ड के इंडिया में वापसी करने के रीजंस को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि वो आखिर यहाँ से गए क्यों थे, क्योंकि ये दोनों ही बातें ना आपस में लिंक्ड हैं। तो यार फोर्ड के इंडिया में फेल होने के पीछे ना कुछ रीजंस को माना जाता है, जिसमें पहला तो ये माना जाता है कि जो फोर्ड इंडिया की प्रोडक्ट प्लानिंग थी ना वो काफ़ी कंफ्यूज सी दिखाई देती थी। जैसे कि मिड 2010 तक ही जो एसयूवी मार्केट था वो लगातार उसमें डिमांड बढ़ रही थी, लेकिन हमें ये देखने को मिल रहा था कि जो फोर्ड है उसके पास सिर्फ एक ही मास मार्केट एसयूवी थी, यानी कि इकोस्पोर्ट। और इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग क्रेटा एंड XUV 500 राइवल्स, फोर्ड का पूरा ध्यान अपनी छोटी कार्स पर था, यानी कि फिगो और एस्पायर पर। और देखने में ऐसा लगता था कि शायद से फोर्ड मारुति से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब बताओ ऐसा हो सकता है वाला। इसके अलावा एक रीज़न ये भी था कि जो फोर्ड है ना वो अपनी गाड़ियों को टाइम पर अपग्रेड नहीं कर रही थी, खासकर इकोस्पोर्ट को, जो उनकी काफ़ी लंबे समय तक एक बेस्ट सेलिंग कार थी। लेकिन फिर भी उन्होंने उस गाड़ी को सिर्फ एक फेसलिफ्ट के साथ कई सालों तक चला के रखा। और मेरा मानना ये है कि अगर वो उस गाड़ी की नई जनरेशन लेकर आते ना तो उसकी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती और टॉप सेलिंग कार्स में आ जाती अपनी कैटेगरी के अंदर। अब ये जो फेसलिफ्ट वाला सीन था ये तो था ही, साथ साथ ये भी देखने में मिलता था कि जो फोर्ड थे ना वो हमेशा ही गलत जगह पर कॉस्ट कटिंग करते थे। अब यही सब जो रीजन थे ना उसी की वजह से फोर्ड की जो एनुअल सेल्स थी ना वो लगातार गिरती चली गई। और भारत को छोड़कर जाने से ठीक 1 साल पहले, यानी कि 2020 में फोर्ड के पूरे साल की सेल्स सिर्फ 66,500 कार्स के आसपास की कुछ थी। लेकिन एक मिनट, ये उतनी भी खराब सेल्स नहीं लगती हैं, है ना। चलो कंपेयर करके देख लेते हैं। रेनॉल्ट ने 2020 में 80,000 गाड़ियां बेची थी और होंडा ने 2021 में 89,000 कार्स, और ये फोर्ड के 66,000 वाले नंबर से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं और एक्चुअली में काफ़ी अच्छे भी हैं, क्योंकि अगर आप इन सेल्स को बाकी कार कंपनी से कंपेयर करोगे जो इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं तो आपको रियलाइज़ होगा ये नंबर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे कि निसान ने 2021 में सिर्फ 36,000 यूनिट्स ही बेची थी इंडिया के अंदर। इसी तरीके से जीप ने 2021 में सिर्फ 12,000 यूनिट्स बेची थी और सिट्रॉइन ने तो 2022 में भी सिर्फ 9,000 यूनिट्स ही बेची हैं। अब ये देखने समझ में आता है कि ये कार कंपनीज अगर इतनी कम यूनिट्स बेचकर भी इंडिया में सर्वाइव कर पा रही हैं तो फोर्ड क्यों नहीं कर पाई। तो दरअसल जो फोर्ड की सेल्स थी ना वो डायरेक्टली रीज़न नहीं था कि वो भारत को छोड़ के चले गए। एक्चुअली उसके पीछे जो रीज़न था वो था फोर्ड के बेइंतहा खर्चे, और वो जो खर्चे थे ना वो आते थे फोर्ड के सानंद प्लांट से। वो कैसे, चलो मैं बताता हूँ। जब फोर्ड ने 2011 में फिगो को लॉन्च करा और पहली बार अपनी किसी गाड़ी को इतना ज़्यादा कामयाब होते हुए देखा तो फोर्ड काफ़ी ज़्यादा पंप हो गए, और ये पंप उनको इस फोरकास्ट से भी मिला कि आने वाले टाइम में इंडियन मार्केट 7 मिलियन कार्स तक ग्रो होने वाली है। तो फिर क्या था, फोर्ड ने सोचा कि उनको इंडिया के अंदर एक और प्लांट की ज़रूरत है और उन्होंने डिसाइड करा कि वो इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा प्लांट बनाएंगे जो आने वाली फ्यूचर डिमांड को मीट कर सके। और इसके लिए फोर्ड ने उस टाइम पर $1 बिलियन का बजट रखा इस प्लांट को बनाने के लिए, जो कि काफ़ी बड़ा था एक्चुअली। जैसे कि फोर्ड ने ये प्लांट 9 गेल फोर्स रेटिंग के साथ बनाया था, और ये जो गेल फोर्स रेटिंग होती है ना, ये नापती है बिल्डिंग की स्ट्रेंथ को अगेंस्ट रियली फास्ट विंड्स। और गेल 9 का मतलब तो ये था कि फोर्ड ने अपने इंडिया प्लांट को ऐसा बनाया था जैसे वो अमेरिकन टॉर्नेडोज को झेलने के लिए बनाया गया हो, लेकिन देखा जाए तो इंडिया के अंदर इतनी तेज हवाएं तो चलती नहीं है टॉर्नेडो टाइप। इसके अलावा उन्होंने जो फोर्कलिफ्ट खरीदी थी ना अपने प्लांट के लिए, वो माना जाता है कि बाकी ब्रांड्स के मुकाबले 6 से 7 गुना ज़्यादा महंगी थी। और जो फोर्कलिफ्ट्स होती है ना प्लांट के अंदर भारी मात्रा में इस्तेमाल होती हैं, जिसकी वजह से अगर उसकी कॉस्टिंग पर ध्यान दिया जाए तो खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है प्लांट का टोटल जो है। अब चलो मान लिया कि ये सारी की सारी सॉर्ट ऑफ वन टाइम इन्वेस्टमेंट्स ही थी, लेकिन फोर्ड ने एक इससे भी बड़ा और एक रेकरिंग खर्चा कर रखा था, और वो था स्टाफ का। माना ही जाता है कि जो फोर्ड की एवरेज एम्प्लॉय कॉस्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, यानी कि 10 लाख रुपए पर एनम पर एम्प्लॉय, जो कि बाकी कार कंपनी से काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि उस टाइम पर टाटा और महिंद्रा वगैरह 6 से 7 लाख रुपए पर एम्प्लॉय पर खर्च कर रहे थे एक साल के अंदर। और इसीलिए फोर्ड को अगर सिर्फ इस प्लांट की रनिंग कॉस्ट तक भी निकालनी थी ना, तो उनको हर साल 1 लाख कार प्रोड्यूस करने की ज़रूरत थी, और इतनी सेल्स तो उन्होंने इंडिया के अंदर आज तक नहीं करी थी। तो वो इस अकेले प्लांट से इतनी ज़्यादा सेल्स कैसे कर सकते थे? और प्रॉफिटेबिलिटी की बात तो भूल ही जाओ, मैं तो यहाँ पे सिर्फ रनिंग कॉस्ट निकालने की बात कर रहा हूँ। और इसीलिए यही सारे रीजंस वो बने जिनकी वजह से फोर्ड को सानंद बनने के बाद लगभग $2 बिलियन का ऑपरेटिंग लॉस हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और उन्होंने आने का फैसला किया। लेकिन क्योंकि ये सानंद प्लांट फोर्ड के लिए एक सरदर्द बन गया था, इसीलिए फोर्ड भारत से जाने के बाद से ही अपने सानंद प्लांट को बेचने के लिए ग्राहक ढूंढ रहे थे, और जैसे उनको मौका मिला ना, उन्होंने पहली फुर्सत के अंदर इस प्लांट को टाटा को बेच डाला, और यहीं से फोर्ड का एक सबसे बड़ा बर्डन कम हो गया। लेकिन देखने में ये मिला कि फोर्ड अपने दूसरे प्लांट यानी कि तमिलनाडु वाले प्लांट को भी बेचना चाह रहे थे, और लगातार कई ब्रांड्स के साथ उनकी बात भी चल रही थी इसको बेचने के लिए, लेकिन वो लगातार हर एक ब्रांड को मना करते जा रहे थे। और अब हम लोग ये तो जानते ही हैं कि वो मना क्यों कर रहे थे अपने इस वाले प्लांट को बेचने के लिए, क्योंकि उनको वापस आना था, वो इसीलिए मना कर रहे थे ऑफकोर्स। लेकिन उनको वापस आना क्यों था, चलो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो इसके पीछे ना मेरी खुद की 3 थ्योरीज हैं, जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि वो वापस आना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर 1 आर्ग्यूमेंट की बात कर लेते हैं। तो यार, हम इंडियंस की ना एक बहुत बुरी आदत है, और वो ये है कि जब कोई ब्रांड हमारे देश के अंदर ऑपरेट कर रहा होता है तब तो हम उसे पूछते नहीं है, और जब वो चले जाता है तब हम उसे लेजेंडरी बताते हुए फिरते हैं। और ये चीज़ हमें सभी ब्रांड्स के साथ देखने को मिली है, फिर वो चाहे शेवी हो या फिर फिएट। और फोर्ड के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। जब से वो गए हैं तब से एंडेवर और एकोस्पोर्ट की खूब तारीफें चल रही है मार्केट के अंदर, और इन गाड़ियों के ऊपर जैसे कोई वीडियो भी डालता है ना तो उसमें लाखों में व्यूज आते हैं। और ऐसा पहले फिएट और बाकी ब्रांड्स के साथ भी होता था, लेकिन फोर्ड में और उन ब्रांड्स में एक फ़र्क है, और वो ये है कि फोर्ड को सिर्फ सोशल मीडिया पर ही प्रेज नहीं मिल रहा है, बल्कि मार्केट के अंदर भी उनकी बहुत अच्छी वैल्यू है अभी भी। जैसे कि अगर आप यूज्ड कार मार्केट को टटोलोगे ना थोड़ा सा, तो आपको समझ में आएगा कि इन कार्स की डिमांड कंपनी जाने के बाद भी अभी भी बहुत अच्छी है। और अगर हम स्पेशली फोर्ड की इकोस्पोर्ट और एंडेवर की बात करें तो इनकी डिमांड अलग ही लेवल पर चल रही है यूज्ड कार मार्केट के अंदर, क्योंकि इन यूज्ड गाड़ियों के मार्केट के अंदर प्राइस ही नहीं टूट रहे हैं, और खूब डिमांड है, खूब मतलब गाड़ी लॉट के अंदर आती है तुरंत बिक जाती है। अब यही जो इंडियंस के बीच में इन गाड़ियों की दीवानगी है ना, वो फोर्ड को भी दिखाई देती है, और इसीलिए वो सबसे पहले अपना तुरुप का इक्का लेकर आ रहे हैं भारत के अंदर वापस, यानी कि एंडेवर। और अगर मैं पर्टिकुलरली इस गाड़ी की बात करूं तो मेरा मानना ये है कि ये फॉर्च्यूनर को बहुत ही तगड़ी टक्कर देने वाली है, क्योंकि इसके चाहे फिर लुक्स हो, इसकी बिल्ड हो, इसका इंजन हो, राइड क्वालिटी हो, या फिर इंटीरियर्स, सभी कुछ फॉर्च्यूनर से बेटर है, और इंडिया और इंटरनेशनली भी लोग इस बात से एग्री करते हैं। तो डेफिनेटली मेरा मानना तो यही है कि ये फॉर्च्यूनर का एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर लेने वाली है, और इसीलिए ये माना जा रहा है कि इसकी सीवीयू यूनिट तो 2024 में ही मिलना चालू हो जाएगी इंडिया के अंदर, और 2025 से इनके तमिलनाडु वाले प्लांट में इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी चालू कर दी जाएगी। इसके अलावा इनके वापस आने का जो दूसरा रीज़न मुझे लग रहा है वो हो सकता है सानंद प्लांट से छुटकारा। जैसा कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जो सानंद प्लांट था उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कुछ ज़्यादा ही थी, तो अब क्योंकि वो ऑपरेशनल नहीं है तो उनके ऊपर इतना लोड नहीं है। अगर वो कम भी गाड़ियां बेचेंगे तो उनके लिए यहाँ सर्वाइव करना आसान होगा काफ़ी ज़्यादा, और वो शायद से एक गाड़ी के साथ भी सर्वाइव कर पाएंगे, इसीलिए उनका मन भी बन रहा है इस बार दोबारा वापस आने का। फोर्ड के रिटर्न का जो तीसरा रीज़न मुझे लग रहा है वो हो सकता है अमेरिका के अंदर ईवीज़ की तेज़ी से गिरती हुई डिमांड और फोर्ड के करोड़ों के लॉसेस। यस, फोर्ड ने रिसेंटली अपने इलेक्ट्रिक ट्रक फोर्ड F-150 लाइटनिंग की मैन्युफैक्चरिंग को कम करके अपने हाइब्रिड मॉडल्स की मैन्युफैक्चरिंग को रैम्प अप कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से प्रेडिक्ट किया गया था उस तरीके से अमेरिका के अंदर ईवीज की सेल्स नहीं हो रही हैं, बल्कि ये देखने को मिल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो लिटरली स्टॉक यार्ड्स के अंदर पाइल अप हो रही हैं। और फोर्ड समेत बाकी सभी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनीज को इलेक्ट्रिक कार्स पर भारी डिस्काउंट देना पड़ रहा है, या तो फिर उनकी प्रोडक्शन स्लो करनी पड़ रही है, वरना वो ऐसी जमा होती चली जाएंगी। और इसी वजह से इन सभी ब्रांड्स को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। और अगर हम स्पेशली फोर्ड की बात करें तो उनको तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है अकेले सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स की वजह से। और इसीलिए मुझे लगता है कि वो इस रीजन की वजह से भी फिर से इंडिया में आना चाहते हैं और अपना लक आजमाना चाहते हैं, क्योंकि इससे एक तो मार्केट डाइवर्सिफाई हो जाएगी और पैसा कमाने के भी सोर्सेस बढ़ जाएंगे। तो यही वो तीन थ्योरीज थी जिनकी वजह से मुझे लगता है कि फोर्ड भारत में वापस आना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि अभी हम जानते हैं कि जो फोर्ड है वो सिर्फ एंडेवर के साथ एंट्री कर रहे हैं, और हमें पता है कि ये जो एसयूवी है ये काफ़ी ज़्यादा महंगी है। और मेरा मानना है कि फोर्ड कितना भी जोर लगा लें, मेरे हिसाब से तो वो इसकी 1000 यूनिट से ज़्यादा नहीं बेच पाएगी। और वो अगर ये भी कर लेते हैं ना तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जो फॉर्च्यूनर है ना उसकी खुद की मार्केट ही 2 से 3000 यूनिट्स पर मंथ ही है इंडिया के अंदर। तो ये अगर आधी भी ले लें तो बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से। और इसीलिए मेरा पर्सनली मानना यह है कि फोर्ड को अपने आर्सेनल में से कुछ और कार्स इंडिया में लानी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर उनकी हाथी नुमा अमेरिकन कार्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उनकी यूरोपियन कार्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि प्यूमा और कूगा। ये दो ऐसी कार्स हैं जो इंडियन मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा आराम से घुल मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल हम पहले फोर्ड प्यूमा की बात कर लेते हैं। ये जो कार है ना ये आराम से इंडिया की कॉम्पैक्ट एसयूवी कैटेगरी में बेची जा सकती है, यानी कि क्रेटा वाली कैटेगरी में, क्योंकि इसकी जो लेंथ है ना वो 4.2 मीटर्स की है, इसकी वेट 1805 mm की है और इसकी हाइट 1537 mm की है, जो कि क्रेटा से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है और बाकी इस कैटेगरी में आने वाली एसयूवी से भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। हाँ, बस जो हाइट है वो काफ़ी कम है उन गाड़ियों के मुकाबले, तो इसीलिए हम इसको एसयूवी तो नहीं बोल सकते, लेकिन देखा जाए तो ये क्रॉसओवर तो है ही। अब ये जो भी हो, एसयूवी हो या फिर क्रॉसओवर हो, भाई साहब इसके गाड़ी के लुक्स को तो देखिए, क्या दिखती है ये गाड़ी। आजकल की कई गाड़ियाँ एक जैसी दिखाई देती हैं, सभी के अंदर स्प्लिट हेडलाइट्स आ रही हैं, सभी के अंदर टेल लाइट जो आ रही है वो कनेक्टेड आ रही है, मतलब सभी की सभी गाड़ियाँ एक जैसी और बोरिंग सी दिखाई देने लगी है मुझे तो। उनके बीच में ये ऑर्गेनिक और अच्छी दिखने वाली कार एक अलग ही पहचान बना पाएगी। और अगर हम इसके इंजन की भी बात करें ना तो इसमें 1 लीटर और 1.5 लीटर का GDI पेट्रोल इंजन अवेलेबल है विद टर्बो, नॉन टर्बो एंड हाइब्रिड्स एज वेल। तो इंजन के मामले में भी देखा जाए तो ये कॉम्पिटिशन जैसी ही है। प्यूमा के अलावा अगर हम फोर्ड कूगा की बात करें तो ये भी इंडियन मार्केट के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये कार XUV 700 वाली डायमेंशंस के साथ आती है और अगर इसको ठीक से प्राइस किया जाए तो ये XUV को बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंपटीशन दे सकती है। वैसे भी इस रेंज के अंदर ना बहुत सारी कार्स है भी नहीं, तो मेरे हिसाब से फोर्ड को बाकी गाड़ियों को छोड़कर एंडेवर के साथ ये दो गाड़ियाँ लेकर आनी चाहिए और आने वाले टाइम के अंदर अपनी EcoSport की भी नई जनरेशन लेकर आनी चाहिए। और अगर फोर्ड ऐसा करते हैं तो मेरा मानना तो है कि फोर्ड की इंडिया में चांदी चांदी हो जाएगी। तो यही सब था मेरे पास बताने के लिए इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने पेट्रोहेड दोस्तों के साथ ये वाली वीडियो तो पर्टिकुलरली जरूर शेयर करिए, वो बहुत कुछ होने वाले हैं फोर्ड की बात सुन के। पहले उन्होंने शायद 2020 के अंदर ही अपना प्लांट है बंद कर दिया था, पैकअप कर लिया था इंडिया से और चले गए थे, और बिकॉज उनको शायद लॉस ज़्यादा हो रहा था उनकी। लेकिन जो सेल्स देखी थी वो भी 66,000 लास्ट उनकी सेल्स हुई थी ईयर में जब उन्होंने पैकअप किया था, तो भी इतनी ज़्यादा सेल्स थी। लेकिन उनका वो तवज्जो से वीडियो में बताया गया कि उनका जो खर्चा था, उनकी रनिंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा थी बिकॉज उन्होंने एक सानंद प्लांट एक बना लिया जिसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ा उनको, और उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट थी उसकी रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी कि उनके पास रनिंग कॉस्ट भी पूरी नहीं हो पा रही थी, तो इसकी वजह से उनको यहाँ से पैकअप करना पड़ा। और उनके जो वो बताया भी गया कि सिर्फ उन्होंने शुरू में 2 ही मॉडल लॉन्च किए थे इंडिया में और वही चले आ रहे थे, कोई नया इनोवेशन भी नहीं आ रही थी, कोई नई मॉडल्स भी लेके नहीं आ रहे थे। लेकिन अब जो सुनने में आ रहा है कि इंडिया में फोर्ड एंडेवर जो आ रही है, क्या खूबसूरत गाड़ी है वो आ रही है और वो फॉर्च्यूनर को टक्कर देने वाली है। मैंने इसकी प्रॉपर एक वीडियोस वैसे देखी हुई हैं, तो वो तो गाड़ी बहुत खूबसूरत है। वैसे भी फोर्ड की गाड़ियाँ बहुत ही पायदार होती हैं और जाइजेंटिक होती हैं और बड़े खूबसूरत कार की तरफ जो अमेरिकन में बड़ी गाड़ी मिलती है फोर्ड की। यूरोपियन में आ जाओ तो वहाँ पर आपको जरा जैसे इंडिया में मिलती है वो छोटी गाड़ियाँ मिलती हैं, उस साइज छोटी मिलती हैं जो इजी टू कैरी होती हैं और इजी टू यूज होती हैं, तो वो एक दिखाएगा। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए। ऑब्वियसली इंडिया इज अ वेरी ह्यूज मार्केट, तो उनको बहुत इंडिया से तो जाना मतलब बनता ही नहीं था और उनको इनोवेशन लेकर आनी चाहिए थी। जैसे उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भेज दिया सानंद वाला टाटा को, तो अब शायद उनके लिए ज्यादा आसानी होगी। उनकी वो रनिंग कॉस्ट भी उनको एक जो तमिलनाडु में एक है प्लांट वहाँ पे मैन्युफैक्चर होंगी और वहीं से सेल होगी, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है इंडिया के लिए। इंडिया के लोग बड़ा खुश हो रहे होंगे बिकॉज मैंने देखा था इंडिया के लोगों में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है फोर्ड एंडेवर का। हाँ वो तो मुझे पता है। मैं वैसे ये सोच रही थी कि शायद जिस वक्त फोर्ड ने अपना लाइक बिजनेस ख़त्म किया इंडिया से, उस वक्त शायद मार्केट वैल्यू या फिर परचेजिंग और जो इतनी ज़्यादा ब्रांड्स उस वक्त शायद नहीं इतने एक्टिव थे, मुझे ऐसा लग रहा है। इसीलिए भी शायद उन्होंने ये प्लान किया हो कि वो यहाँ से चले जाएँ। ऑब्वियसली सी बात है, बिजनेस में आपको प्रॉफिट भी होता है और समटाइम आपको लॉस भी हो जाता है, आपको पता नहीं होता। उन्होंने कुछ सोच कर ही $1 बिलियन खर्च किया क्योंकि उनको आइडिया होगा कि इंडियन जो कार्स की मार्केट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाली है। लेकिन वो जिस तरह से उन्होंने प्लान किया था उस तरह से वो नहीं उनको रिजल्ट्स मिले, तो उन्होंने वहाँ से चले गए। लेकिन अब आफ्टर सो मेनी ईयर्स मुझे ऐसा लगता है कि अब वो देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा इंडियन जो ब्रांड्स हैं वो कार्स एक लाइक आई वुड से कि महीने के अंदर एक ब्रांड जो है वो कितनी ज़्यादा कार्स लॉन्च कर रहा है। लाइक इतनी ज़्यादा है कि अब तो नाम भी नहीं याद रहते कि कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा हर थोड़ी देर के बाद लॉन्च हो रही हैं और वो भी कि डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स की, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस में आ रही हैं। कोई छोटी है, कोई बड़ी है, मतलब हर बंदे की जो डिमांड होती है ना कस्टमर की, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट किस्म की गाड़ियाँ बनाई जा रही हैं। तो इसलिए भी मेरे ख्याल से ज़्यादा टक्कर हो गई है और अब आकर एक ऐसी गाड़ी जो कि मेरे ख्याल से स्टैंड आउट करेगी इन सारों में, क्योंकि वो थोड़ी एक्सपेंसिव होगी मुझे ऐसा लगता है। आई डोंट नो, फॉर्च्यूनर को कह रहे टक्कर देगी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद फॉर्च्यूनर से थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव होगी। और जो लुक देखी है मैंने गाड़ी की, जो ये दिखा रहे हैं, जो आ रही है, वो भी रिएक्शन देंगे लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉर्च्यूनर उसके मुकाबले में नहीं है कुछ। मुझे ऐसा लाइक दैट इज़ माय ओपिनियन कि जो फॉर्च्यूनर है उसका कंपैरिजन जो है फोर्ड एंडेवर की बात करें वो नहीं है, क्योंकि वो बहुत नेक्स्ट लेवल हैवी गाड़ी लग रही है। वो फॉर्च्यूनर है लेकिन मुझे लग रहा है कि उससे कंपेरिजन इतना नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा ऊपर होगी गाड़ी। एनीवेज तो देखना पड़ेगा, उनके कस्टमर होते हैं उनका पहले यही होता है ना कि वो देखें कि हमें बजट के अकॉर्डिंग क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। कुछ लोग होते हैं ब्रांड कॉन्शियस वो तो फिर ले लेते हैं, लेकिन इसीलिए भी सेल्स समटाइम्स जो इंटरनेशनल ब्रांड्स उनकी कम होती है, वो ये रीज़न आ जाती है। लेकिन लेट्स सी क्या होता है। सो इट्स अ गुड साइन फॉर इंडिया कि आप लोगों के यहाँ दोबारा से एक अच्छा जो ब्रांड है और लाइक रिकगनाइज्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो दोबारा से आ रहा है इंडिया के अंदर। सो बेस्ट ऑफ लक, लेट्स सी कि क्या होता है और क्या किस तरह से लोग उसको वेलकम करते हैं दोबारा। सो अगर आप लोगों ने रिएक्शन वीडियो इंजॉय किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। मुलाकात करेंगे एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।